तो गाइस क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू आई एम डी वाई प्रो यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एप्पल फैंस में, खास करके इंडिया में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के वारंटी प्लान्स के बारे में। तो अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं और एप्पल प्रोडक्ट्स को काफ़ी साल से यूज़ कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इंडिया में एप्पल का एक्सटेंडेड वारंटी प्लान अवेलेबल है जिसका नाम है एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान, जिससे आपको मिलती है 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी अपने एप्पल प्रोडक्ट्स पे। लेकिन जब से एप्पल ने लॉन्च किया है उसका ऑनलाइन स्टोर इंडिया में, उन्होंने एक नई सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एप्पल केयर प्लस, और इसके बाद से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई है एप्पल यूज़र्स के मन में। कन्फ्यूजन ये है कि एप्पल केयर प्लस क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं एप्पल केयर प्लस में और एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान में, क्या कॉस्टिंग है एप्पल केयर प्लस की, और क्या हमें एप्पल केयर प्लस लेना चाहिए या नहीं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं पॉइंट्स के बारे में और ढूंढेंगे जवाब इन सवालों के। स्वागत है आप सबका आई एम डी वाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान एप्पल का बहुत ही पुराना वारंटी प्लान है जिसकी मदद से आप खरीद सकते हैं एक्सटेंडेड वारंटी अपने एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको कभी भी खरीद सकते हैं 1 साल के परचेज में, यानी कि अगर मैंने पिछले साल अक्टूबर में अपने आईफोन को ख़रीदा है तो इस साल के अक्टूबर उसी डेट तक मैं एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान ले सकता हूँ और अपने वारंटी को एक्सटेंड कर सकता हूँ अगले 1 साल के लिए। और इसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर मैं बात करूँ आईफोन्स की तो आईफोन्स पे एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग अराउंड 4,500 रुपीज़ से 4,800 रुपीज़ के बीच में है, तो काफ़ी नॉमिनल है अगर आप अपने वारंटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड होती हैं एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान में। एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो है हार्डवेयर कवरेज, यानी कि अगर आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उसको एप्पल सुधार देगा। इसके साथ साथ आपको टेक्निकल सपोर्ट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। लेकिन ध्यान में देने वाली बात यह है कि इसमें फिजिकल डैमेज कवर्ड नहीं है, यानी कि अगर आपके फ़ोन का स्क्रीन डैमेज हो जाता है या वाटर डैमेज की वजह से आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने ख़रीदा है एक आईफोन पिछले साल अक्टूबर में तो आई थिंक ये बहुत सही टाइम है अपने वारंटी को एक्सटेंड करने का एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान की मदद से, क्योंकि ये प्लान अभी डिसकंटिन्यू होने वाला है। एटलीस्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो न्यूज़ ये है कि 7 अक्टूबर 2020 को ये प्लान डिसकंटिन्यू हो जाएगा और उसके बाद इसको आप खरीद नहीं सकते हैं। तो आई थिंक 4,500 रुपीज़ बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, इसको ले लीजिए और अपने फ़ोन की वारंटी को एक्सटेंड कर लीजिए। आप अगर फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो वो अच्छा है, अगर आप वारंटी एक्सटेंड कर लेते हैं तो आपको अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान और एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने आईफोन की वारंटी को तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, वहां जाके आप इसको कर सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जब से एप्पल ने लॉन्च किया है उसका नया ऑनलाइन स्टोर इंडिया में, उन्होंने एक नई सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एप्पल केयर प्लस। अब ये भी एक एक्सटेंडेड वारंटी सर्विस है जो एप्पल प्रोवाइड करता है 1 साल के लिए। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान से, क्या नई चीज़ें हैं और क्या प्राइसिंग है, अब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो जो एप्पल केयर प्लस है वो सिमिलर है एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान के साथ, यानी कि जो जो सर्विसेज आपको एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान में मिलती है वो सारे सर्विसेज आपको मिलेंगे एप्पल केयर प्लस में, यानी कि 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी, टेक्निकल सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसको आप 1 साल में कभी भी नहीं खरीद सकते हैं। इसको या तो आपको ख़रीदना पड़ेगा जब भी आप एक नया डिवाइस खरीद रहे हैं एप्पल से, या उस डिवाइस के डेट से 60 डेज़ के अंदर आपको इसको ख़रीदना पड़ेगा एप्पल के सपोर्ट में कॉल करके। जो दूसरी डिफरेंस है वो ये है कि एप्पल केयर प्लस में आपको मिलते हैं 2 इंसिडेंट्स एक्सीडेंटल डैमेज के, यानी कि अगर आपका फ़ोन का स्क्रीन क्रैक हो जाता है या उसमें लिक्विड डैमेज हो जाता है तो ऐसे 2 इंसिडेंट्स को एप्पल कवर करेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक नॉमिनल फ़ीस देना पड़ेगा। तो अगर आपका स्क्रीन क्रैक हो जाता है तो इसका फ़ीस है 2,500 रुपीज़, या अगर कोई और डैमेज है तो इसका जो सर्विस चार्ज है वो है 8,900 रुपीज़।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान और एप्पल केयर प्लस में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन और वाटर डैमेज भी कवर्ड है, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। चार्जेस स्क्रीन के लिए मेरे हिसाब से थोड़े से नॉमिनल हैं, लेकिन जो दूसरे डैमेजेस हैं यानी कि अगर लिक्विड डैमेज हो जाता है या फिजिकल डैमेज हो जाता है तो उसके लिए 8,900 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं एप्पल केयर प्लस के प्राइसिंग के बारे में। तो अगर हम देखें आईफोन SE के लिए तो जो एप्पल केयर प्लस की प्राइसिंग है वो है 9,900 रुपीज़, यानी कि जो भी आप आईफोन खरीद रहे हैं उसके साथ आपको एडिशनल 9,900 रुपीज़ देना पड़ेगा एप्पल केयर प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर हम बात करें आईफोन 11 प्रो की तो एप्पल केयर प्लस आपको पड़ेगा 26,900 रुपीज़ का। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1,00,000 रुपये का फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप 30% दे रहे हैं सिर्फ वारंटी के लिए। तो गाइज़ ये थे मेरे पॉइंट्स, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक प्रोफेशनल से भी इन सवालों को पूछूं, तो इसीलिए मैंने इनवाइट किया है एक स्पेशल गेस्ट को आज, जो कि एक एप्पल ऑथोराइज रिटेलर हैं और एप्पल प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं 2005 से। मैं बुलाना चाहूँगा सुमित निसार को। तो हाय सुमित, वेलकम टू IMDY प्रो एंड थैंक यू सो मच कि आपने थोड़ा समय निकाला और हमारे साथ बात करना चाहा। तो आज हम लोग बात कर रहे थे एप्पल केयर प्लस और एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान के बारे में। तो मैं जानना चाहता था कि आपकी क्या राय है, क्योंकि आप इस बिजनेस में काफ़ी टाइम से हैं और एप्पल प्रोडक्ट्स को भी आप काफ़ी टाइम से सेल कर रहे हैं, एप्पल के वारंटीज को भी सेल कर रहे हैं और रोज़ जो है आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एप्पल केयर प्लस और एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान जो पहले था उनमें क्या डिफरेंसेस है और आप क्या रिकमेंड करते हैं कस्टमर्स के लिए? अभी हाल ही में 10 दिन पहले एप्पल ने अनाउंस किया है कि एप्पल केयर प्लान जो उनका था, जो काफी सालों से प्रोडक्ट चल रही थी, वो 7 अक्टूबर के बाद कस्टमर के पास चॉइस नहीं होगा उसे खरीदने का, विच वॉज वेरी यूजफुल फॉर द आईफोन यूजर्स एंड ऑल एप्पल डिवाइस यूजर्स। बट अभी कंपनी 8 अक्टूबर के बाद पुश कर रही है एप्पल केयर प्लस, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, विल गो अराउंड 20,000 प्लस फॉर द आईफोन यूजर्स एंड एप्पल केयर प्लान वॉज जस्ट 4,500 रुपीज। So Apple Care used to like secure your device for one additional 1 year warranty. अगर एक साल में फोन में कोई भी दिक्कत आती थी तो Apple take care करता था other than breakage or liquid damage. Correct. But अभी company push कर रही है Apple Care Plus जो hardware का breakage और liquid भी cover करेगा, but वो एक काफी expensive plan होगा, तो हर user उसको लिए शायद वो नहीं subscribe कर पाएगा। Correct. तो 7 अक्टूबर के बाद ये प्लान अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में। तो मैं इंसिस्ट करूंगा जो लास्ट ईयर जिन्होंने 11 प्रो 11 प्रो मैक्स लिया है मार्केट में, जो यूज कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स, इनका फोन वारंटी में है, और जल्द से जल्द अपने फोन की वारंटी एक्सटेंड कर ले। ओके, सो इसका जो वारंटी होगा तो ये पुराने प्लान के हिसाब से चलेगा, यानी कि 4,500 रुपीज का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, या कुछ डिस्काउंट भी अवेलेबल है इस पे? यस, नहीं इस पे इसका जो कॉस्ट है वही है, बट अगर आपके चैनल से स्पेशल प्राइस दे सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके डिटेल्स दिए हैं, तो अगर आपने लास्ट ईयर 7 अक्टूबर के पहले आईफोन लिया है, कोई भी आईफोन लिया है, 11 प्रो 11 प्रो मैक्स जैसा कि सुमित बोल रहे थे, तो जल्दी से जाइए और अपने आईफोन की वारंटी को एक्सटेंड कराइए। बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, 4,500 या उससे कम जो भी डिस्काउंट ये देते हैं, लेकिन क्योंकि अगर उसके बाद अगर आप आईफोन लेते हैं अभी, तो उसके साथ तो आपको एप्पल केयर प्लस लेना ही पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यही रिकमेंडेशन आया हुआ, आई होप सुमित आप यही कहना चाहते थे। थैंक यू सो मच आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समय निकाला आपने एंड आपसे मैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, टेक केयर। तो क्या आपको एप्पल केयर प्लस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इसका सिंपल आंसर है कि आप किस तरह के यूज़र हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके हाथ से उनका आईफोन बार बार गिर जाता है, आप स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते हैं, कवर नहीं लगाते हैं, अपने आईफोन को बहुत रफली यूज़ करते हैं, तो आई थिंक आपको एप्पल केयर प्लस बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं और कुछ और आईफोन यूज़र्स की तरह हैं जो कवर लगाते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, अपने आईफोन को बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं, तो आई थिंक ये एक्सपेंस आप इग्नोर कर सकते हैं। तो गाइज, ये वीडियो देखने के बाद आई होप अब आप एक सही डिसीजन ले सकते हो अपने लिए कि जब भी आप खरीद रहे हैं एक नया आईफोन या खरीद रहे हैं एक नया मैक, तो आपको उसके साथ एप्पल केयर प्लस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना भूलना मत। और यहाँ तक आ ही गए हो तो यहाँ पे मेरे कुछ और वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फ्री है, घंटी दबाना भूलना मत। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ।
मैं आपसे मिलने आऊंगा ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।